अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मेहानी, ये तुम्हारे कज़न हैं, खाला के बेटे जुनैद। अरे बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइस टू मीट यू। खाला नहीं आई, आप उनको भी ले आते? आ जाएंगी वो भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। बैठो ना बेटा। नहीं दायजान, मैं चेंज करके आती हूँ। अब तो चाय पियो। जी अब पियूंगा। There are two opposite narratives. First one regarding the importance of boundaries in our society, and the poet's version that he was against those. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जगह इतनी खूबसूरत है। आप पहले भी पाकिस्तान आए? जी हाँ, twice. But the last time I was here, I was only 13 years old. So. Oh. और ये कब की बात है? आप अगर मुझसे मेरी एज के बारे में पूछना चाह रही हैं तो डायरेक्टली पूछ सकती हैं मुझसे। मैं आपकी एज जान के क्या करूँगी? जानना चाहिए। इनफैक्ट आपको मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहिए। After all, that's why I'm here. And we have clearly seen while answering this question that the tone of having a very formal and a reserved relationship Excuse between poet yes may I go out yes you may leave so through these instances or through these verses we can say that the tone of reserved relationship can be clearly reflected or seen in this poem I think फोन आ रहा है। All right, sure. हेलो कहाँ थी तुम? साद, ये तो तुम्हारी क्लास का टाइम है। अभी लेक्चर छोड़ के आए, अब तुम लेक्चर स्टार्ट ना कर देना। I miss you, यार। सब समझती हूँ मैं, ना पढ़ने के बहाने। अच्छा तुमने मुझे याद किया? हाँ, दो तीन दिन तो काफी किया। और उसके बाद काफी से भी ज्यादा? नहीं, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। आज जुनेद आ गए थे, उनको कंपनी देनी थी। कल उनको गांव दिखाने जाऊंगी और फार्म हाउस भी। ये जुनेद कौन है? मेरी कजन। वो तो मैं हूँ। बुद्धू, कोई और भी तो हो सकता है, तुम अकेले थोड़ी हो मेरे कजन। साद, हेलो साद, कोई और नहीं हो सकता, कोई और हो भी कैसे सकता? सो सॉरी, वो साद की कॉल थी, मेरी कजन। कजन तो मैं हूँ आपका। आप अकेले थोड़ी हैं, और वैसे भी आप सिर्फ कजन हैं, और साथ बहुत कुछ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरे बचपन का साथी, मेरे दुख सुख का शरीक। Is that so? आपको नहीं लगता है सब कुछ मैं भी हो सकता हूँ? हाँ हाँ, जो साद है वो कोई और नहीं हो सकता। आई होप आपको ये जगह बहुत पसंद आई होगी। यहाँ अभी तक जो कुछ देखा है उससे तो मुझे बहुत पसंद आई है, दिल से। यानी ये हवेली? दिस हवेली सीरियसली, इट्स रियली फैंटास्टिक। अभी तो आपने पूरी देखी ही कहा है। Yeah, I think you're right. But by the way, that part behind those trees, is that also part of the haveli? Yes, you can say that, but वो अब हमारे इस्तेमाल में नहीं है, खंडर बन चुका है। फिर तो मैं जरूर देखना चाहूंगा।
उस जगह को देख के क्या करेंगे? वो सीधा दीवारें हैं, गिरती हुई छतें हैं, दैट्स इट। यू नो व्हाट, आपने ये कह के मेरा शौक और बढ़ा दिया है। कहीं आप उस पुरानी जगह से डरती तो नहीं है? मैं क्यों डरूंगी, मेरा तो पूरा बचपन वहां गुजरा है, वो जगह तो मेरी सहेली है। इज दैट सो? फिर तो मैं आपकी सहेली से जरूर मिलना चाहूंगा। God, this is so beautiful. Is this artwork? Kiska shauk hai? Ki mera shauk hai. Impressive. Very impressive. Aapka bahut hi artistic nature lagta hai. और ये किसका शौक है? साद का। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और बचपन के दोस्तों में लड़ाइयाँ तो होती हैं, हम भी बहुत लड़ते हैं, और हमारी लड़ाई के बाद जब भी सुलह होती है, साद मेरा और अपना नाम यहाँ लिखता है। बुद्धू, इसका मतलब है आप दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं, यानी कि हर बार नए सिरे से दोस्ती होने की रिवायत है नाम लिखना। हाँ, ये भी कह सकते हैं। वैसे हानी, हम दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन दोस्ती जरूर हुई है, नहीं? चले फिर देखते हैं कि हम दोनों का नाम यहाँ पे कितनी बार लिखा जाता है। जुनेद, प्लीज यहां मत। लुक्स नाइस, डजंट इट? डोंट यू थिंक? अब चलना चाहिए, अब मैं आपका स्कूल देखना चाहता हूं। Such an amazing place you have here. Wow. So huge. Salma! Are Salma! Salma! Kahan chali gayi Salma? Kya ho gaya hai Mahpara? भाई वो सुबह हकीम से अपनी कोई दवा लेने निकली हुई, अभी तक लौटी नहीं है। अरे किस बात की दवा भाभी, अच्छी भली हट्टी कट्टी तो है, और फिर कौन से कोकाफ के हकीम के पास चली गई है वो? बहुत छूट दे रखी है आपने भाभी, जवानी मुंहजोर होती है, और फिर पता है कि मुलाजिम पेशा तबके पर तो जवानी आती भी अंधी बहरी है, ये ना हो कि किसी दिन आपको कुछ सुनना पड़ जाए। तो भाई मापारा, अब मैं जरा जरा सी बात भी मुलाजिमों से पूछ के जो रोक टोक तो नहीं कर सकती। रंग ढंग ही बदल गया भाभी हवेली का। एक जमाना था कि मुंडेर पर एक दुपट्टा नहीं डाला जाता था कि किसी गैर मर्द की नजर बहू बेटी के आंचल पर ना पड़ जाए, और एक ये जमाना आ गया है कि सुबह से उम्मे-हानि को छोड़ा हुआ है गैर मर्द के साथ सैर सपाटे करने के लिए, और फिर अगर मैं कुछ कहूँ तो फिर चुप ही रहूँ, मेरा तो बोलना वैसे ही बेकार है, हर शख्स को सिर्फ मैं ही खटकती हूँ और कुछ भी नहीं।
रहमत बाबा, रहमत बाबा। Wow, this is so damn beautiful. Just like my countryside back in England. Wow, who owns all this land, by the way? Tai Abba ki hai. Must be a rich man. Yes. By the way, mera school us side pe. That side, should we go and have a look? Yes. Great, great, great. Can't wait. Salma. हानी स्कूल से आ गई है? नहीं जी, वो तो आज गई नहीं। क्या? फिर कहाँ? अंदर है? वो जी सुबह मैंने ना उनको विलायत वाले में मान के साथ पीछे जाते देखा था। बहुत प्यारी जगह है ये। Yes, I can see that. It's really beautiful. I really like it. What's on that side? यहाँ के बच्चों को तालीम देके मुझे दिली सुकून मिलता है। बड़े दादा ने अब्बा के नाम पे ये स्कूल बना के उनकी भी रूह को सुकून दिया है। वैसे आप इतनी टैलेंटेड लड़की हैं, इतना कुछ कर सकती थी, धन शोर कर भी रही होंगी। आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि यहाँ के डिग्री कॉलेज से बीए करने के बाद आप अपना वक्त यहाँ पर जाया कर रही हैं? अगर दिल का सुकून खुद को जाया करने में मिलता है तो मैं अपने आप को बार बार जाया करना चाहूँगी। वैसे यहाँ का सनसेट तो बहुत ही चार्मिंग होगा। वो सामने नहर है, क्यों ना हम वहाँ पर बैठकर सूरज गुरु बताओ देखें? नहीं, हवेली पहुँचना है, फूफो डांटेंगे। आई सी, चलिए जैसे आपकी मर्जी। साद, साद क्या हुआ? ये कौन था? चलिए आइए। ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? बहुत थोड़ी देर हो गई, ध्यान नहीं रहा। ध्यान काबू में रखो अपना बीबी। इतने आसान खता करने और आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं है। अरे फाख्ताओं को कभी भी ऊंची उड़ान रास नहीं आई। एक हद तक जाती जरूर है लेकिन फिर अंधी होकर मुंह के बल गिरती है जमीन पर। जी हाँ हाँ, तुम तो इंग्लिस्तान जाने के ख्वाबों में उड़ी फिर रही हो। छूट दे रखी है तुम्हें भाभी ने, लेकिन याद रखना अभी सिर्फ बात छिड़ी है, बात पक्की नहीं हुई है। अरे चार पांच दिन घूमने फिरने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद अगर तुम्हें टका सा जवाब देकर चला गया तो क्या करेंगे हम? हाँ एक सेकेंड पुप्पू, किस जवाब की बात कर रही हैं आप? कुछ खुल के बताएंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। ओहो इतनी भोली हो ना तुम। अरे तभी तो अपने कजन के आगे पीछे फिर रही हो, दिल लुभा रही हो ना उसका। खाला जान ने रिश्ता जो मांग लिया है। लेकिन याद रखना उम्मेहानी, ये वलायत पलट लड़के कभी भी अपनी जिंदगियों के फैसले अपने माँ बाप के कहने पर नहीं करते। सुना तुमने? ऊंचे ऊंचे ख्वाब सजा रखे हैं जहाजों में घूमने के। कहाँ से आ जाते हैं ये है? अरे जुमा जुमा आठ दिन नहीं हुए, वो आ गया गया बारिश से दिमाग खराब हो गया।
मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहां से हनी। मैं हूं साद साहब, सलमा आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। बताइए ना प्लीज। एक तो ये महापारा भी ना बड़ी जल्दी होती है इसे हर काम करने की, मतलब कोई तुक है अब इस तरह बेढंगे अंदाज में सब कुछ बताने की? मतलब उपो सच कह रही थी? हाँ, मैं तुम्हें आज आज ही सब कुछ बताने वाली थी, मगर किसी सलीके से, किसी तरीके से। ताइमा मगर ये कैसे? अब देखो ना, सुबह से रिजवान साहब की क्लास ले रहे हैं। ये क्या हो गया है, बच्चा है, दिल घबरा गया तो वापस आ गया, अब इसमें डांटने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात पे भी क्या अदालत लगेगी इस घर में? तुम जरा इसका ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ। हाँ साथ से ज्यादा करीब है, किसी से अपने दिल की बात करती है, इसलिए मैंने सोचा जुनैद के बारे में राय और मर्जी में साथ के जरिए मालूम कर लूं। वाकई तुम औरतें बहुत जल्दबाज होती, अभी से दूर की सोचने लगी? अब जल्दबाजी करनी पड़ेगी रिजवान, उम्मे-हानी की खाला का फोन आया था, जुनैद ने उन्हें खुशखबरी सुना दी, उसे उम्मे-हानी पसंद आ गई है। इसकी बदतमीजियां देख रही, किस तरह की हरकतें कर रहा है? मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। क्यों? एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी तुमसे। कहिए। हनी, एक्चुअली माय मॉम कॉल्ड, वो मेरा जवाब जानना चाह रही थी। जवाब तो मैंने उन्हें हाँ में ही दिया, लेकिन फिर एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैंने तुमसे तो पूछा नहीं। बड़ी जल्दी ख्याल आया। I know at least I should have asked you whether you like me or not। क्या तुम शादी के लिए राजी हो? आपने अपना जवाब अपनी मॉम को दिया है। Yeah. मैं भी अपना जवाब अपने बड़ों को दूंगी। All right.
Fair enough. Good night. Good night. Take care. मिटा दिया। काश कि इतनी सी बात से खुशी मिल जाए करती। इसी बात पे नाराज थे ना, कल से मुंह फुलाए फिर रहे हो, बात भी नहीं कर रहे मुझसे। अगर तुम्हें पता था कि मैं इतना नाराज होऊंगा तो ऐसा किया क्यों? मैंने नहीं किया साद, पागल हूं मैं क्या? उस जुनेद ने किया। यानी कि वो पागल है? मैंने उसे मना भी किया, बताना चाहा कि तुम इसको पसंद नहीं करोगे। साद, मैं जानती हूँ तुम्हें इस जगह से कितनी अटैचमेंट है, इन दीवारों से, इन ईंटों से। तुमने तो कभी यहाँ रेनोवेशन नहीं होने दी, तो फिर इन दीवारों पे तुम किसी और का नाम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? सिर्फ दीवारों पे? अच्छा गुस्सा छोड़ दो, बताओ अचानक क्यों आ गए? क्यों? रंग में भंग डाल दिया मैंने। ओह, तुमसे तो बात करना अजाब है। पता नहीं किस बात पे कब नाराज हो जाओ। कोई खास दुश्मनी है तुम्हें मुझसे? दुश्मनी नहीं, मोहब्बत है। और इंसान नाराज भी उन्हीं से होता है जिनसे मोहब्बत हो। और मैं जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहती हूँ, उल्टी सीधी बातों पे नाराज होती हूँ, मनाती रहती हूँ तुम्हें, ये मोहब्बत नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं किसी और की इतनी परवाह नहीं करती हूँ। सच में? हाँ, मजाक तो नहीं कर रही, सच बोल रही। कैसी बन रही है साथ? क्यों आया है यहाँ पे? कौन? वही। ओ, घूमने फिरने आया होगा, मुझे क्या पता। मैं जानता हूँ
टालो मत मुझे। मगर मैं नहीं जानती थी, अभी अभी पता चला। उसकी हिम्मत कैसे हुई? रख के लगानी थी दोस्त को। पागल हो तुम? मैं लगाऊं जाके? अभी घर वापस भाग जाएगा। खबरदार जो तुमने ऐसी हरकत की तो। क्यों, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें? शादी करना चाहती हो उसके साथ? नहीं करना चाहती, मगर करूंगी या नहीं ये मेरे इख्तियार में नहीं। और मुझसे भला मेरी मर्जी पूछी किसने? मैं पूछ रहा हूं ना, मुझे तो बताओ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बताने की जरूरत है क्या साद? तुम जानते हो मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। और जाओगी भी नहीं? मैं देख लूंगा सबको। भाई उम्मे-हानी, मेरी तो शुरू से ख्वाहिश थी कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मैं तुम्हारे फ़र्ज से आज़ाद हो जाऊँ। फिर एक तो तुम्हारा टीचिंग का शौक, खैर अब एक साल में तुमने वो शौक भी पूरा कर ही लिया। बेटा, वो तुम्हारी सगी खाला का बेटा है, मैं मुतमईन, यही हमारे लिए काफ़ी। मैं भी बिल्कुल मुतमईन। अच्छा शरीफ लड़का है, खुश मिजाज, खूबरू, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी मोहब्बत से रिश्ता मांग रहे हैं। आप मुतमईन हैं, बाबा भी मुतमईन हैं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं। तुम्हारा मुतमईन होना कोई अहमियत नहीं रखता, ये उम्मे-हानी का मामला है, हम उससे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये उम्मे-हानी की जिंदगी का मामला है, आप लोग ऐसे यकतरफा फैसले कैसे कर सकते हैं? कौन फैसले कर रहा है यहाँ, हम तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें साथ? लेकिन आप कहना तो यही चाह रहे हैं कि चाहे आपका जो भी फैसला हो उसका जवाब हाँ ही होना चाहिए। साथ, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। बढ़ नहीं रहा भाईजान, बढ़ाया जा रहा है। मैं आप लोगों से आखिरी दफा कह रहा हूं, ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए कि आप लोग अपना हर फैसला उम्मे-हानी पे हावी कर सकते हैं। साथ, 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 भाभी जरा मक्खन तो दीजिएगा। मक्खन नहीं है, ये जैम है। ओहो, फिर मैं मक्खन लगाऊंगी कैसे? रहने दीजिए। तो क्या गलत किया है हमने भाईजान? उम्मे-हानी की हमारे पर जिम्मेदारी नहीं है? अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो वो भी इसके लिए यही फैसला करते, लेकिन ये है कि हमें कुछ समझती ही नहीं। इंतहाई खुद मुख्तार और खुद सर लड़की है ये। माँ पारा, तुम खामखा उम्मे-हानी के पीछे क्यों पड़ गई? इसने कहा क्या? क्या कहा है? तो आपका मतलब है कि साथ ऐसे बिला वजह ही बदतमीजी करके चला गया? भाईजान, इसने इस बार भी उसका कंधा इस्तेमाल किया है। अरे कल के बच्चे को माँ बाप के सामने बदतमीजी करने पर मजबूर कर दिया, और देखे देखे जरा खुद किस तरह मासूम बनी बैठी है यहाँ। What the hell is wrong with you, Saad? I'm innocent. Let go of my hand, man. What the hell is wrong with you? देखो Saad, seriously, I don't understand. What, are you trying to prove something? तुम्हें जवाब चाहिए था। देख लो अपना जवाब। तुमने हमेशा मेरे और अपने दरमियान फासले रखे हैं। हानी, जब तुम इस घर में आई थी तो मैं समझी कि मेरी जिंदगी में बेटी की कमी पूरी हो गई, मगर तुमने मुझे माँ तो क्या, कुछ भी नहीं समझा।
कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। तुम बात को किस तरफ लेके जा रही? बात अब भी यही है रिजवान, अगर इसे इस रिश्ते से कोई एतराज था तो मुझसे बात करती, मुझ पे एतबार करती, लेकिन नहीं, इसने साद के जरिए ये बात मुझ तक पहुंचाई। और बहुत गलत तरीके से पहुंचाई भाईजान। साद बच्चा है अभी भाईजान। उम्मेहानी, तुमने बहुत ज्यादती की है साद को इस मामले में घसीट कर। जवाब मुझे उससे चाहिए था जिससे मैंने सवाल किया था। But seriously, I really don't understand your childish behavior, Saad. What's wrong with you? वो स्याही इतनी गहरी है कि धोने के बाद भी अब तक हानि के हाथों से इसका रंग नहीं गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं दाई अम्मी, मैंने कभी भी आपके और अपने बीच में कोई फासला नहीं रखा। और ये बात सच है कि आपने शिकायत और फरमाइश की कभी नौबत ही आने नहीं दी। मेरी हर जरूरत पूरी की बिना कहे एक माँ की तरह। मैंने साद से नहीं कहा कि वो आप लोगों से बात करे। ये सच है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए कि मैं इस मुल्क से जाना नहीं चाहती जहाँ मेरे माँ बाप की यादें हैं, जहाँ आप सब लोग हैं। बस यही बात कहने में झिझक रही थी मैं। हाँ, बस कहने में झिझक रही थी, बस यही दुखड़ा तुमने साद के आगे रो दिया, जो वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो गया, जैसे तुम्हारा वाली वारस सिर्फ साद ही हो। माँ पारा, खामखा बात को बढ़ावा मत दो। जिस उम्र में साद है ना, इस उम्र में बच्चे को बड़ा होने का एहसास होने लगता है, और यही एहसास साद हमें देना चाहता है इस घर के मामलात में दखल देकर। और वैसे वो हानि से अटैच भी तो बहुत ज्यादा है, इसके दूर जाने के ख्याल से जज्बाती हो गया होगा। तो अच्छी बात है, हानि की शादी करने की जरूरत ही क्या है, इसको भी हवेली में बिठाए रखें। अरे एक से दो भली। मॉम, आपने उन लोगों से बात कर दी ली? माना कि मैंने आपसे कहा था, पर किसी की सिर्फ अच्छा लगने से क्या होता है। आई डू ब्रीश इज अ वेरी वेरी नाइस गर्ल, पर वो वहां की लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। सो मैं आपकी एक ख्वाहिश की वजह से इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकूंगा। आई एम रियली सॉरी एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। रखता हूँ फोन, बाय बाय। तुम्हारा जवाब मुझे मिल गया था। आई एम सॉरी जुनैद। कम ऑन, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। ऐसे मौके पे तो थैंक यू किया जाता है। ओके देन, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। चला गया वो साद। सच बताओ तुमने से क्या कहा था जो यूं चला गया? लाहौल पड़ी थी मेरे, मेहमान था हमारा वो।
सर्दी लग रही है मुझे। अरे गीले बाल तो हटाओ, अंदर चले जाओ ना। नहीं, तुम्हारी ना इन बातों से सब परेशान है, और पुप्पो समझती है कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा हुआ है। उठो अंदर जाती से। तुम्हें पता है तुम्हारे बालों की खुशबू हमेशा मेरी आंखों में नींद ले आती है। मैं क्या कह रही हूँ, क्या मैं हमेशा यहाँ पे सर रख के सो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, अंदर जाके सो। उठो साथ। अच्छा बस आज। उम्मे-हानी, ये यहाँ सो रहा है? वो थक गया था, सो गया। थका हुआ था तो इसको इसके कमरे में भेजना था, वरना खुद चले जाना था। इसका सर तो कम से कम तकिए पे रख दो। रखती हूँ अभी, कच्ची नींद में। तो अच्छा है ना कि जाग जाए, यूं सरेआम यहाँ पर इतनी सख्त सर्दी में सोना अच्छा है क्या? मैं जगाती हूँ इसको। वो नहीं, वो कच्ची नींद से उठ गया तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उम्मे-हानी, ना तो तुम अब बच्ची रही हो और ना साथ कोई छोटा बच्चा है। बचपन में से गोदों में बहुत खिलाया होगा तुमने, लेकिन अब इस उम्र में इतनी बेतकल्लुफी, कुछ खुदा का खौफ करो। कमाल करती है, हर चीज की हद होती है, लेकिन इस घर में मेरी सुनता।